आज हम देखते हैं किस तरीके से हम 3D टेक्स्ट को दिखा सकते हैं ओपन जीएल के जरिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ करना चाहूंगा कि टेक्स्ट किस तरीके से हम ओपन जीएल में दिखाते हैं। हम उसके लिए बिटमैप यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे इमेजेस होती हैं, और हम यू कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स यूजिंग टेक्सचर्स। हम टेक्सचर के थ्रू कर सकते हैं, इमेज फाइल के थ्रू कर सकते हैं, बिटमैप के थ्रू कर सकते हैं। हम लाइंस बना सकते हैं, जीएल लाइंस के थ्रू हम लाइंस बना सकते हैं। उन लाइन को हम एक 3D टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ग्लट स्ट्रोक कैरेक्टर इस नाम की चीजें हैं हमारे पास ग्लट में। या फाइनली हम यू कैन ड्रॉ अ बंच ऑफ पॉलीगन्स इन 3D। 3D में हम पॉलीगन्स बना के भी दिखा सकते हैं। तो इनमें जो सबसे फास्टेस्ट है वो तो यही है, लेकिन खासतौर पर डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं आपके पास, कितने बड़े कैरेक्टर्स हैं, वो सब चीजें भी बहुत उसमें रोल प्ले करती हैं। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ये बंच ऑफ पॉलीगन्स इन 3D के थ्रू बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास जो सपोर्टिंग क्लास है वो है हमारे पास टेक्स्ट 3D करके हमने बनाई हुई है। और इस टेक्स्ट 3D में आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर आपके पास एक T3D ड्रॉ 2D करके है, T3 ड्रॉ 3D करके इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं, और बाकी विड हाइट के लिए है। तो ये ड्रॉ असली फंक्शन है जिसका हम उपयोग करेंगे। इसमें चार पांच चीजें हैं देखिए, और एक इसमें जो पांचवी चीज है वो फिक्स है, इसको अगर हम नहीं देंगे तो ये फिक्स ले लेगा। और अगर हम इसकी CPP की बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है यहां पर, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये तो खैर कन्वर्जन है टू शॉर्ट टू लॉन्ग ये सब चीजें, लेकिन जो असली चीज है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जिसका हम बहुत उपयोग करने वाले हैं। देखिए ड्रॉ लाइन भी है, ड्रॉ भी है, इस तरीके से हम सबका उपयोग करेंगे। और T3 ड्रॉ 2D और 3D, इसमें ये सब जो चीजें ऊपर अभी अब मैंने स्क्रॉल किया वो सब चीजें यहां पर इसकी डिफाइंड है, इसका हम काफी उपयोग करने वाले हैं। ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट को विंडोज 32 कंसोल ही रहने देते हैं, और यहां पर इसको दे देंगे 7 और 3D। यहां पर हम इसे कर देते हैं टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट। ओके कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए इसे। अब जैसे कि हम करते हैं एड एग्जिस्टिंग आइटम, हमने जो अभी आपको दिखाया उसको उठा के यहां पर कॉपी कर दें और इन्हें को ऐड भी कर दें। इसमें एक चीज देख रहे हैं, कैरेक्टर सेट, जो कैरेक्टर सेट आएगा वो कैरेक्टर वो होगा जो कैरेक्टर हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास जितने भी जितना रिच कैरेक्टर सेट होगा उतना हम दिखा पाएंगे। मैंने एक लिया हुआ है, ये कुछ सेटों को, कुछ कैरेक्टर के सेट को इंगित करता है, लेकिन और भी ऐसे अवेलेबल हैं, आप खुद भी बना सकते हैं इसको किसी 3D सॉफ्टवेयर में। अब बेसिक जो फाइल है उसको मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाऊंगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको और मैं रन कराता हूं। इसमें थोड़ा सा हम STDFX डाल देते हैं इस पर्टिकुलर, इसमें यहां पर हम हैश इंक्लूड और STDFX.h, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो में VC++ से बना रहे हैं इसे, STDFX.h, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए साहब, ओपन जीएल विंडोज ट्यूटोरियल 3D, ये घूम रहा है
ये 3D टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें डेप्थ परसेप्शन हो रहा है आपको, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसका कोड। यहां पर आएंगे हम, अब ये स्केलिंग के लिए है। आपने देखा कि जो टेक्स्ट मूव कर रहे हैं वो कुछ स्केल्ड भी थे, तो उसके लिए ये किया गया है। एंगल और स्केल हमने एक इसका लेवल भी डिसाइड कर लिया है, एंगल हमारा 30 डिग्री है। जो स्ट्रिंग शो करेंगे वो एक हमने एक एरे बना लिया, वो जो भी यहां पर आप देखेंगे वही आ जाएगी। क्लीनअप प्रेस की, एस्केप करने पर चली जाएगी। यहां पर देखिए ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये T3D init ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है इनिट रेंडरिंग में। ये फंक्शन आपको इसी टेक्स्ट 3D में मिलेगा। हैंडलिंग रिसाइज, अब ड्रॉ सीन में आप देखिए जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तब यहां पर हम उस स्ट्रिंग को अलोंग साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर हमने बना रहे हैं और उसके साइड में दिखा रहे हैं। तो ये T3D मैंने कहा था इसका काफी हम यूज करेंगे, इसमें स्ट्रिंग जितने भी आएंगे वो यहां पर हम दिखाएंगे। और इसका अपडेट टाइमिंग हो गया, ये आपको पता ही है। हम करते क्या है कि गट इनिशियलाइज करते हैं, विंडो इनिशियलाइज करते हैं और जो यूजर इवेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं। और यहां पर हमने स्पेसिफिक 3D का दिया हुआ है। एक बार रन करा देता हूं मैं इसको। इस तरीके से ये आपका टेक्स्ट जो है वो ओपन जेल में 3D पे आप शो कर सकते हैं।